क्या आपको पता है आपके वेट स्टक होने के पीछे क्या कारण है? उसके 5 मेजर रीज़न हैं, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, इम्पेशेंट। हम क्या होता है, जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको रोज़ रिजल्ट दिखे। कुछ लोग तो रोज़ वेट भी चेक करते हैं, तो किसी दिन वेट इंक्रीज हो जाता है, किसी दिन रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा नहीं करें, आपने इतने टाइम से वेट को कैरी कर रहे हैं, उसको रिड्यूस होने में टाइम लगेगा, तो इम्पेशेंट ना हो। सेकेंड 1, अनरियलिस्टिक गोल। हम ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जिनको अचीव कर पाना मुश्किल होता है या उनको अचीव करने में टाइम लगता है। तो छोटे छोटे गोल सेट करिए और उनके अचीव होने पर उनको सेलिब्रेट करिए। थर्ड 1, इमोशनल या स्ट्रेसफुल ईटिंग। जब भी आप इमोशनली या स्ट्रेस में आके ईटिंग करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस को हमेशा हिंडर करती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो ऑलवेज अवॉइड दैट। फोर्थ 1, इनकम्प्लीट एक्सरसाइज या इनकंसिस्टेंट एक्सरसाइज, नॉट इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंसी इन एक्सरसाइज। क्योंकि होता है, जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का चेंज, मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो अगर आप वॉक पे भी जा रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप डेली 10,000 स्टेप कर रहे हैं, एक दिन आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। ये आपका 2-3 दिन बिल्कुल ब्रेक हो गया, तो ऐसा करिए कि आप थोड़ा सा जाइए, 10,000 की जगह 1,000 स्टेप करिए, 2,000 स्टेप करिए, लेकिन वॉक पे जरूर जाइए। तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। लास्ट 1, जो सबसे ज़्यादा सब लोग करते हैं, एक्सट्रीम डाइट। आप एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं, क्रश डाइट पे चले जाते हैं, जो कि हमको नहीं करना है। जो भी आप खा रहे हैं उसको हैप्पी मन से खाइए, खुश होकर खाइए और अच्छे से खाइए। ये 5 रीज़न है, इनको ध्यान रखिएगा। फॉर मोर डिटेल रीड द कैप्शन। थैंक यू।